की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क अक्षय कुमार ने अपने एक्शन थ्रिलर बेल बॉटम के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की है बेल बॉटम को भारत में लगभग 1500 पर रिलीज किया गया है। हालांकि कोविड 19 महामारी के कारण अधिकांश स्थानों पर 50 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी ही मिली है एक रिपोर्ट के अनुसार बेल बॉटम पहले दिन तीन करोड़ के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है फिल्म की पहले दिन की कमाई ढाई करोड़ के लगभग रही है रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने सिनेमाघरों में पूरे दिन में पंद्रह प्रतिशत की व्यस्तता दर्ज की है बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली फिल्म के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरी है क्योंकि ये देश भर की कमाई में बीस प्रतिशत का योगदान दे रही है हालांकि शाम को दर्शकों की संख्या में कमी आई और उम्मीद के उलट फिल्म पहले दिन तीन करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई बेलबॉटम महामारी की दूसरी लहर के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली बड़ी फिल्म है करण जौहर ने अपनी अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग शुरू कर दी है इस फिल्म में रणवीर सिंह आलिया भट्ट जया बच्चन शवाना आजमी और धर्मेंद्र मुख्य किरदार निभाते दिखेंगे फिल्म के लिए करण जौहर ने काफी धमाकेदार सेट बनवाया है जिसकी झलक उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से दी है करण जौहर रोमांटिक फिल्में बनाने के लिए ही जाने जाते हैं और एक बार फिर से वो इसी जॉनर के साथ डायरेक्शन में वापसी कर रहे हैं फिल्म के लिए रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के लुक्स भी काफी अलग लग रहे हैं बॉलीवुड फिल्म निर्माता मधु मेंटेना जल्द ही रामायण पर आधारित एक बिग बजट फिल्म शुरू करने जा रहे हैं जिसमें भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी स्टारकास्ट नजर आएगी डायरेक्टर नितेश तिवारी इस मेगा बजट प्रोजेक्ट में भगवान राम के किरदार में महेश बाबू को कास्ट करना चाहते हैं हालांकि महेश बाबू ने डायरेक्टर राजा मौली को अपनी डेट्स पहले से दे रखी हैं। ऐसे में उन्होंने नितेश तिवारी की रामायण को ठुकराने का मन बनाया है महेश बाबू की ना सुनने के बाद मेकर्स ने रणबीर कपूर को साइन करने का फैसला किया है बॉलीवुड का ये बर्फी बॉय की इन दिनों पहली पसंद है एक रिपोर्ट की माने तो नितेश तिवारी ने खुद रणबीर कपूर को रामायण में भगवान राम बनने का ऑफर दिया है अगर रणबीर कपूर फिल्म को हरी झंडी दिखा देते हैं तो उनकी भिड़ंत इस फिल्म में ऋतिक रोशन से होगी जो रामायण में रावण का किरदार अदा करेंगे फिल्म में सीता के किरदार में दीपिका पादुकोण को कास्ट किए जाने की भी खबरें मिल रही है बॉलीवुड के गलियारों में बीते कई दिनों से ऐसी खबरें छाई हुई हैं कि विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने चोरी छुपे सगाई कर ली है और जल्द ही ये कपल अपनी शादी का आधिकारिक ऐलान करेगा विक्की कौशल और कटरीना कैफ के फैंस इस खबर से काफी उत्साहित हैं लेकिन विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है विक्की कौशल के पिता श्याम कौशल ने भी इन खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि ये सच नहीं है श्याम कौशल इंडस्ट्री के जाने माने एक्शन डायरेक्टर है जिन्होंने एक पोर्टल से बात करते हुए कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है विक्की कौशल और कटरीना कैफ की डेटिंग की खबरें काफी लंबे समय से आ रही हैं, लेकिन अभी तक इस कपल ने इस पर जुबान नहीं खोली है कई लोग मानते हैं कि विक्की कैटरीना असल में कपल है ही नहीं और इनकी डेटिंग की खबरें केवल अफवाह हैं कैटरीना कैफ जल्द ही सलमान खान के साथ टाइगर थ्री में नजर आएंगी की शूटिंग के लिए वे विदेश जा रही हैं एयरपोर्ट से सामने आई सलमान खान और कैटरीना कैफ की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैटरीना कैफ की सगाई नहीं हुई है बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सुपर डांसर फोर के सेट पर लौट आई है राजकुंद्रा पोर्न मामले के बाद शिल्पा शेट्टी ने सुपर डांसर फोर से दूरी बना ली थी लेकिन अब मामला ठंडा होते ही वो दोबारा सेट पर लौट आई है शिल्पा शेट्टी ने अगले एपिसोड की शूटिंग भी पूरी कर ली है जो जल्द ही दर्शकों के सामने होगा शूटिंग शुरू होने से पहले शिल्पा शेट्टी की आंखों से आंसू निकल पड़े जिस कारण सेट पर इमोशनल माहौल बन गया सूत्रों के अनुसार जैसे ही शिल्पा शेट्टी अपनी वैनिटी वैन से निकलकर सुपर डांसर फोर के सेट पर पहुंची वैसे ही सब लोगों ने उन्हें घेर लिया शो के प्रतियोगी उन्हें काफी मिस कर रहे थे जिस कारण उन्होंने शिल्पा का जोरदार स्वागत किया शिल्पा शेट्टी इतने लोगों का प्यार एक साथ देखकर भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे शिल्पा को रोता देख सेट पर मौजूद लोगों ने उन्हें गले लगा लिया खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क